नमस्कार, आपका स्वागत है मैं सीनियोरिटी की सिलेक्शन सीरीज 2.2 में। चलिए आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रूस, बी जर्मनी, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है बी जर्मनी। जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अंतर्गत कुल कितने राष्ट्र हैं। ऑप्शन है ए 187, ऑप्शन बी 185, सी 193, फिर डी। इसका सही उत्तर है सी 193। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या है। ऑप्शन ए 11, बी 14, सी 15, फिर डी। इसका सही उत्तर है सी 15। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की संख्या 15 है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का जो है वो एक हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन में, सी लंदन में, या फिर डी जिनेवा में। इनका सही उत्तर है डी जिनेवा में। अगला, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 अप्रैल को, बी 5 मार्च को, सी 5 मई को, या फिर डी 5 जून को। इसका सही उत्तर है 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए बेडेन पावेल, बी फेडरिक पासे, ऑप्शन सी जेएस ड्यूनॉट, या फिर डी। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी जेएच ड्यूनॉट। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में कब आया, इसकी स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1946, बी 1945, सी 1949, या फिर डी 1950। इसका सही उत्तर है बी 1945। प्रश्न है हमारा अगला, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हेग में, बी न्यूयॉर्क में, सी जिनेवा में, या फिर डी पेरिस में। इसका सही उत्तर है ए हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा की अध्यक्ष एकमात्र कौन भारतीय महिला बनी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, बी पुल जयकार, सी डॉक्टर प्याज नायडू, डी विजयलक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर है डी विजयलक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, वर्ण भेद के विरुद्ध संयुक्त राज्य सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। ऑप्शन ए जिनेवा में, बी डरबन में, सी दोहा में, या फिर डी रोम में। इसका सही उत्तर है बी डरबन में। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए 1 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 2 वर्ष, या फिर डी 3 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी 2 वर्ष। प्रश्न हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किस देश ने किया है। इसके आपके ऑप्शंस हैं, ए रूस ने, बी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने, सी फ्रांस ने, या फिर डी ब्रिटेन। इसका सही उत्तर है ए रूस ने। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी का पूरा नाम क्या है।
और ये इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशनल डेवलपिंग प्रोविनेंस, बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी अरब नेशन ड्रिलिंग प्रोग्राम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी वॉशिंगटन में, सी लंदन में, फिर डी जिनेवा में। सही उत्तर है डी जिनेवा में। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। ऑप्शन ए 28वें संशोधन में, बी 40वें संशोधन में, सी 42वें संशोधन में, या फिर डी 52वें संशोधन में। उत्तर है सी 42वें संशोधन में।